Hi, good morning, my dear student. Today we are going to discuss your class 11th History, Chapter 9, Theme 4, The Industrial Revolution. Dear student, as you know that we are nowadays revise your chapter, so that's why we discuss again and again this topic. But what I feel that you are all not doing hard work. When I was discussing this point in your online class, a very few student, I mean to say that ki bahut hi kam bachcho hai, few students given their answer. It means कि आप या तो घर पे मेहनत नहीं कर रहे, या आप जैसा कि मैंने कहा कि आपको फ्रेमिंग करना है, एक पैराग्राफ से क्वेश्चन बनाइए, खुद से फ्रेम करिए, वो करना है, दोनों आप नहीं कर रहे हैं. बट आई सजेस्ट यू दैट यू हैव टू फ्रेम योर आंसर अकॉर्डिंग टू द पैराग्राफ, बिकॉज इफ यू विल सी, if you will observe the previous year's paper, then you can easily find out that the questions asked same, I mean to say that ki paragraphs seedhe question uthaye gaye hain. Isiliye maine is pe itna dhyan diya, ek ek cheezon ko maine bade hi aasani se aur bade hi aasan shabdon mein explain. My dear student, if you have remember what we discussed in my previous class, when I discussed coal and iron, and also discussed about the industrial revolutions and their meanings. So, dear student, आपको ये चीजें समझनी चाहिए, इन चीजों पर आपको ध्यान देना चाहिए, और आपको ये सारी चीजें अपने नोटबुक्स में आपको उनको पॉइंट आउट करना चाहिए. ओके, लेट अस कम एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड. इन माय लास्ट क्लास व्हाट आई टोल्ड यू दैट द कोल एंड आयरन, इट वाज द ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर द ब्रिटेन दैट दे वर सिचुएटेड नियर अलोंग विद ईच अदर. एक ही जगह पे कोयले और लोहे की खान थी. फिर मैंने आपसे कहा कि कोयला पहले चारकोल से मिलता था जो लकड़ी का बना होता था. डिफॉरेस्टेशन के कारण जंगल कट गए थे और ये कोयला जो था वो चारकोल का वो ज़्यादा टेम्परेचर उत्पन्न नहीं करता था, इसलिए जो आयरन स्मेल्टिंग का काम था वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता था. प्रॉपर तरीके से नहीं होने का मतलब, प्रॉपर तरीके से नहीं होने का मतलब हुआ कि स्मेल्टिंग का काम हाई टेम्परेचर पे ही प्योर स्मेल्टिंग होती थी, प्योर स्टील बनता था. लेकिन जब चारकोल टेम्परेचर कम देगा तो ऐसी स्थिति में लोहा अपने एक्चुअल फॉर्म में नहीं आएगा. हमने आपसे कहा था कि अब्राहम डर्वी फैमिली थी जिन्होंने सबसे पहले इस बात की खोज की, चारकोल की जगह उन्होंने कोक का इस्तेमाल किया, नेचुरल कोयले का प्रयोग किया, और नेचुरल कोयले ने पूरा का पूरा आयरन इंडस्ट्री के पूरे सिनेरियो को ही उसने बदल दिया. हमने आपसे ये भी कहा था कि अब्राहम फैमिली का अगर काल ले कितने समय से कितने समय के बीच, तो आप 60-77 चलिए, अब्राहम हम अगर अब्राहम फैमिली कह दें या अब्राहम डर्वी कह दें, अब्राहम डर्वी फैमिली कहना ज्यादा अच्छा होगा. क्यों? क्योंकि ये तीन जनरेशन कौन कौन, ग्रैंडफादर ग्रैंडफादर का टाइम अगर आप ले लीजिए तो टाइम है ग्रैंडफादर का 1677 टू 1776
16 17 72 1717 एडी। अब इनके सन को ले लीजिए, सन को अगर आप लेंगे सेकेंड जनरेशन की अगर आप बात करेंगे तो इनकी डेट 1711 टू 68 1711 टू 1768 एडी। और फिर सन देन आफ्टर ग्रैंड सन, ग्रैंड सन को अगर आप लेंगे तो ग्रैंड सन की डेट आपको मिलेगी 1752 91। इस प्रकार यदि आप तीनों के एक कितने साल तक की बात करें, कितने ईयर्स की बात करें, तो 6077 को आप अगर 1791 से डिवाइड कर दीजिए तो 114 ईयर कितने सालों तक डर्बी फैमिली ने, ये कौन थे, ये लोग कौन थे, ये डर्बी फैमिली का आयरन इंडस्ट्री पे काम था। ब्रिटेन में डर्बी फैमिली ने इतने दिनों तक आयरन इंडस्ट्री पे अपनी कंट्रोलिंग बनाए रखी। इन लोगों ने समय समय पे अलग अलग क्या किए, इन्होंने समय समय पे अलग अलग इन्वेंशंस भी किए, खोज भी किए, इनके साथ जुड़े। जैसे अगर बात करें ग्रैंड सन की और बात करें ग्रैंड फादर की, तो दोनों के बीच हमने आपसे कहा था, अगर आपको याद होगा, इफ यू रिमेंबर, व्हेन आई टोल्ड यू दैट द वर्क ऑफ अब्राहम डर्बी ब्रॉट अबाउट द रिवोल्यूशन इन द मेट्रोलॉजिकल इंडस्ट्री। इट बिगेन विद द इन्वेंशन इन 1709 बाय द फर्स्ट अब्राहम डर्बी। दिस वाज ब्लास्ट फर्नेस। ब्लास्ट फर्नेस पहला इन्वेंशन ग्रैंडफादर के द्वारा। ब्लास्ट फर्नेस क्या था, ये एक इस तरीके का भट्टी थी, एक तरीके से ज्वलनशील चीजों को पिघलाने की थी, जहां पे आसानी से क्या किया जा सकता था, लोहे को पिघलाने का काम। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम टेलिंग यू माय डियर स्टूडेंट। अब्राहम डर्बी के इस काम ने, जो इस प्रक्रिया में पूरे जो ये धातु उद्योग था उसमें क्रांतिकारी आविष्कार किया उन्होंने। इसको हिंदी में धमन भट्टी भी कहते हैं, ब्लास्ट फर्नेस को, जिसका आविष्कार किया, जिसमें सर्वप्रथम कोक का इस्तेमाल किया गया। कोक मतलब नेचुरल कोयले का इस्तेमाल किया गया। ब्लास्ट फर्नेस की सबसे ब्लास्ट फर्नेस की सबसे अच्छी बात थी कि यहां पे किसका प्रयोग किया गया, कोक का। कोक मतलब, या मैं इसको कहूं कि नेचुरल कोयले का इस्तेमाल। नेचुरल कोल जो किससे बना हुआ था, कोल और लिखे तो और
अच्छे से आप समझ जाएंगे। ये क्या जनरेट करती थी? हाई टेम्परेचर। तो ये हाई टेम्परेचर जनरेट करती थी, पहला काम किया। अब ये तो काम था पहला, जो ग्रैंडफादर थे उनके द्वारा, उनकी खोज। इसने क्या किया? इस ब्लास्ट फर्नेस ने, अब्राहम डर्बी ने जिसको बनाया था, इसमें पत्थर के कोयले, कोक का प्रयोग किया गया। कोयले से जो हाई टेम्परेचर जनरेट करता था, उससे गंधक तथा जो अन्य अपशिष्ट पदार्थ थे उसको निकाल कर तैयार किया गया। इस आविष्कार का रिजल्ट यह हुआ कि तब से जो फर्नेस थी, जो भट्टियां थी, वो काठ कोयले पर उनको निर्भर रहना पड़ता था। अब इन भट्टियों से जो पिघलाने के लिए, स्मेल्टिंग के लिए आयरन चाहिए थी, वो कहां से आ रही थी? अब वो आयरन इनको मिल रहा था नेचुरल कोयले से। इसके बाद हम सेकेंड डर्बी की बात करें। सेकेंड डर्बी ने क्या किया? सेकेंड डर्बी 1711 to 1768 दे डेवलप्ड रॉट आयरन विच वॉज लेस ब्रिटल फ्रॉम पिग आयरन। रॉट आयरन से पिग आयरन बनाने की कला इन्होंने दुनिया को बताई। रॉट आयरन पी गए। अब देखिए, अब्राहम डर्बी जो सेकेंड थे, अब्राहम डर्बी ने जो सुधार किया वो ये था कि इस प्रक्रिया में कुछ और आविष्कार किया अब्राहम डर्बी ने। उन्होंने रॉट आयरन डेवलपमेंट फेजेस स्टार्ट हुए, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलते चले गए। और फिर इसकी सहायता से क्या किया गया? अब इन्होंने इस पिग आयरन से रॉट आयरन जो बनाया, उससे इन्होंने उसकी सहायता से कई सारे छोटे छोटे मशीन बनने लगे। बडिंग फर्नेस, जिसमें पिघले लोहे से अशुद्धि दूर किया जाती थी, और फिर जो रोलिंग मिल थी उसका भी आविष्कार किया जा सकता था, किया गया। तो धीरे धीरे इसके बाद आप डेवलपमेंट देखेंगे, यहीं से आयरन इंडस्ट्री डेवलप फॉर्म में दिखाई देनी शुरू हो जाती है। यहीं से आपको जो सेकेंड डर्बी के इन्वेंशंस थे, खोज थे, जो उनकी डिजाइन थी, अगर उसको आप ध्यान से देखें, अगर आप अपनी बुक को देखें क्या कहता है, इट इज वेरी इजली टीच यू अबाउट दैट द चेंजेस विच हैपेंड ड्यूरिंग दैट टाइम। द प्रोसेस वॉज फर्दर रिफाइंड बाई मोर इन्वेंशंस। द सेकेंड डर्बी डेवलप्ड रॉट आयरन विच वॉज लेस ब्रिटल फ्रॉम पिग आयरन। हेनरी कोट डिजाइन द पडिंग फर्नेस इन विच द मोल्टेन आयरन कुड बी रीड ऑफ इम्प्यूरिटीज, एंड द रोलिंग मिल विच यूज स्टीम पावर टू रोल द प्यूरिफाइड आयरन इन टू द बार्स, नाउ बिकेम पॉसिबल टू प्रोड्यूस अ ब्रॉडर रेंज ऑफ आयरन प्रोड्यूस। द ड्यूरेबिलिटी ऑफ द आयरन मेड इन अ बेटर मटेरियल देन वुड फॉर एवरीडे आइटम्स एंड फॉर मशीनरी। अनलाइक वुड विच कुड बर्न आर स्प्लिंटर, द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आयरन कुड बी कंट्रोल्ड। माय डियर स्टूडेंट, आयरन वाज वन ऑफ द बेस्ट
मीडियम व्हाट फॉर मेकिंग टूल्स एंड मशीन्स. सपोज इफ यू यूज वुड इंस्टेड ऑफ आयरन व्हाट हैपेंड. नो डाउट टू से दैट वुड इट इज हाईली इफेक्टेड बाय द टेम्परेचर सीजन क्लाइमेट इफेक्टेड द वुड. अब गर्मियों में लकड़ी की स्थिति, फिर बारिश में, फिर ठंडक में, और फिर एक समय के बाद लकड़ी क्या होगी, टूट जाएगी. तो लकड़ियों का ये टूटना, इनकी अपेक्षा लोहे का प्रयोग और लोहे से बने धातु की मशीनों का प्रयोग अपने स्तर पे एक यूनिक चीज थी जिसका प्रयोग ये कर रहे थे. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नेवर फॉरगेट अबाउट दैट. माय डियर, आपको ये चीजें नहीं भूलनी चाहिए. दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि अब ज्यादा से ज्यादा काम जो हो रहे थे वो किससे होने लगे, वो अब लोहे से होने लगे. मैंने आपसे लास्ट क्लास में कही थी कि छड़ की बनी कुर्सियां, लोहे के पाइप से वाटर सप्लाई का दिया जाना, पानी की पाइप का निर्माण, और डेली लाइफ में इनका यूज बड़े पैमाने पे शुरू हो गया. अब थॉट डर्बी की बात करें, लेकिन थॉट डर्बी के पहले 1770s में जॉन विल्किंसन मेड द फर्स्ट आयरन चेयर. विल्किंसन ने फर्स्ट आयरन चेयर बनाई. आपके घरों में लोहे की कुर्सियां होंगी. जॉन विल्किंसन पहला व्यक्ति था जिसने लोहे की कुर्सी बनाई सबसे पहले. द वास्ट फार द ब्रेवरीज एंड डिस्टिलरीज एंड आयरन पाइप्स ऑफ ऑल साइज इन 1779. बड़े पैमाने पर पानी के पाइप, डिस्टिलरी वाटर के लिए टैंक सब बनने लगे. अब थॉट डर्बी का क्या योगदान था. 1750 to 91 द थॉट डर्बी बिल्ड द फर्स्ट आयरन ब्रिज इन द वर्ल्ड. थॉट डर्बी का जो ग्रैंडसन थे, इन्होंने क्या किया, आयरन ब्रिज सिवोर रिवर पर, कोलब्रुक डेल नामक स्थान पर, कोलब्रुक डेल नामक स्थान पे इन्होंने क्या बना दिया, आयरन ब्रिज बनाया. तो यहां से आपने लोहे के भरपूर प्रयोग को देखा किस तरीके से ये लोग क्या कर रहे थे, टाइम टू टाइम डेवलपमेंट कर रहे थे, विकास कर रहे थे. एक पूरी फेजेस दिख रही है. पहले ब्लास्ट फर्नेस जिसमें नेचुरल कोल का इस्तेमाल किया गया, कोक का इस्तेमाल किया गया, हाई टेम्परेचर मिला, और फिर हाई टेम्परेचर मिलने से एक बड़े पैमाने पे छोटे छोटे टूल्स का निर्माण होने लगे जो लोहे से बनते थे. फिर उसके बाद जो अब्राहम सेकेंड थे, जो ग्रैंडफादर थे उनके, जो बच्चे थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने पिग आयरन से रॉट आयरन बनाया. रॉट आयरन क्या था, इट वॉज ब्रिटल देन पिग आयरन. ये कम अपेक्षाकृत क्या था, पिग आयरन की तुलना में बेटर फॉर्म था लोहे का. और फिर उसके बाद आयरन ब्रिज का इस्तेमाल किया गया. आयरन ब्रिज थर्ड आयरन मतलब ग्रैंड सन ने बनाया सेवन रिवर पे, कोलब्रुक डेल नामक स्थान पे आयरन ब्रिज का निर्माण हुआ, जो अपने में अपनी महत्ता को बताता था. माय डियर स्टूडेंट, व्हाट आई एम टेलिंग यू, द थर्ड डर्बी 1750 to 91 built the first iron bridge in the world in Colebrook Dale by spanning the river Severn. The Wilkinson used cast iron for the first time to make water pipe 40 meters of it for the water supply of parts. The iron industry then came to be concentrated
द स्पेसिफिक रीजन एज द इंटीग्रेटेड यूनिट्स ऑफ कोल माइनिंग एंड आयरन स्मेल्टिंग. ब्रिटेन वॉज लकी इन द वॉट इन द प्रोसेसिंग. ब्रिटेन वॉज लकी इन दिस प्रोसेसिंग. विच प्रोसेसिंग? कि ये जो साथ साथ लोहे और कोयले का मिलना था, माय डियर, इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड दैट अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू कि आयरन और कोल साथ साथ ब्रिटेन में अवेलेबल थे. यह ब्रिटेन के लिए बहुत ही अच्छी और एक अच्छी स्थिति को शो कर रही थी. तो इसका प्रभाव भी पड़ा, इसका इम्पैक्ट ब्रिटिश इकोनॉमी पे दिखाई देता है. कहता है कि द आयरन इंडस्ट्री देन केम टू बी कंसंट्रेटेड इन द स्पेसिफिक रीजन्स एज द इंटीग्रेटेड यूनिट्स ऑफ कोल माइनिंग एंड आयरन स्मेल्टिंग. ब्रिटेन वॉज लकी इन द प्रोसेसिंग द एक्सीलेंट कुकिंग कोल एंड हाई ग्रेड आयरन ओर इन द सेम बेसिन और इवन द सेम सीम्स. दिस बेसिन वर आल्सो क्लोज टू पोर्ट. देयर वर फाइव कोस्टल द कोल फील्ड्स विच कुड डिलीवर देयर द प्रोडक्ट्स ऑलमोस्ट द स्ट्रेट इन टू शिप सिंस इन द कोल फील्ड वर नियर द कोस्ट. शिप बिल्डिंग इंक्रीज्ड एज डिड द शिपिंग ट्रेड. और जब कोयला और लोहा साथ साथ था तो कई सारे और भी उद्योग डेवलप हुए. ये उद्योग कौन से थे जो डेवलप हो रहे थे? तो कहते हैं शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री. द ब्रिटिश आयरन इंडस्ट्री क्वाड्रप्ड इट्स आउटपुट बिटवीन 1800 एंड 1830 एंड इट्स प्रोडक्ट वाज द चीपेस्ट इन यूरोप. द 1820s द आयरन ऑफ पिग iron needed 8 tons of coal to make it, but by 1850 it could be iron than the rest of the world. I mean to say that kitne 2 tons produced by using only 2 tons. By 1848 Britain was smelting more irons than the rest of the world put together. My dear, ab ek cheezon ko samjhiye. लोहे के प्रयोग ने क्या है? हमने कहा आयरन और कोल दोनों एक ही बेसिन में थे. एक बेसिन में ये अवेलेबल थे. यहां पे एक चीज और आसानी से उपलब्ध थी, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी. ऐसे लिखे तो ज्यादा अच्छा है. या एक मिनट, मैं इसको दूसरे तरीके से समझाता हूं आपको. अब यहां पे ऐसे समझिए, कोल प्लस आयरन दैट वॉज इन सिंगल बेसिन वेयर ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अवेलेबल एंड दैट रीजन व्हाट हैपेंड द शिप बिल्डिंग. शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री डेवलप क्या हुआ? जहाज बने बड़े पैमाने पे. और फिर कहता है कि लंदन में, ब्रिटेन में, स्पेशली इंग्लैंड में, आप चलिए इंग्लैंड की जगह हम ले लेते हैं ब्रिटेन को, ठीक. ब्रिटेन में पहले 10 टन, ब्रिटेन में पहले कितने? कहता है कि ब्रिटेन में 1820 के डिकेड्स तक कितने चाहिए थे? पीक आयरन, अ टन ऑफ पिग आयरन
needed 8 tons pig iron needed 8 tons. What? Charcoal. लेकिन अब ये कब कंडीशन है? ये कंडीशन कब की है? 1820 की. लेकिन 1850 तक आते आते कंडीशन बदल गई. क्या हुआ? अब क्या हुआ बेटे? 1850 तक आते आते अब 1 टन पिग आयरन नीडेड 2 टन कोल. जब कोल की बात करें, जब कोल बोले तो समझिए कि हम नेचुरल कोल की बात कर रहे हैं. तो ये बड़ा बदलाव आपको दिखाई देता है. और ये चीजें पूरी तरीके से आयरन इंडस्ट्री को एक नया स्वरूप दी. चलिए इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे. और आपका नेक्स्ट टॉपिक है कॉटन स्पिनिंग एंड वीविंग. बेहद आसान, वेरी इजी टॉपिक, कॉटन वीविंग एंड स्पिनिंग. नेक्स्ट टॉपिक जो कॉटन वीविंग एंड स्पिनिंग. कॉटन वीविंग एंड कॉटन वीविंग एंड स्पिनिंग, या पहले स्पिनिंग कर लीजिए फिर वीविंग कर लीजिए. स्पिनिंग एंड कताई बुनाई कला का विकास. कताई और बुनाई किसकी? कॉटन की, कपास की. कहता है एक सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि ब्रिटिश हमेशा ऊन और सन से कपड़ा बुना करते थे. आई मीन टू से दैट द ब्रिटिश हैड ऑलवेज वूवन क्लॉथ आउट ऑफ वूल एंड फ्लैक्स. दो चीज, वूल प्लस फ्लैक्स, दो चीजों से क्या करते थे? क्लॉथ. कपड़े की बुनाई का काम या कॉटन की बुनाई ऐसे करते ज्यादा अच्छा रहेगा. अगर आप लिखे कि ये लोग कॉटन क्राफ्ट करते थे, अब आप कॉमन सेंस से समझ लीजिएगा कॉटन के कपड़े की हम बात कर रहे हैं. तो ये कॉटन की से ये वूल ऑफ फ्लेक्स का प्रयोग ये शुरू से करते थे. स्टार्टिंग टाइम स्टार्टिंग पीरियड कब की बात मैं कर रहा हूं? मैं 16th-17th सेंचुरी की बात कर रहा हूं. तब ये लोग इंडिया से ये कॉटन प्लस कॉटन के रीड धागे प्राप्त करते थे. ठीक है, दोनों चीजें, कॉटन से कॉटन के धागे और कॉटन ये लोग इंडिया से प्राप्त करते थे. ये वो दौर था जब इंडस्ट्रियलाइजेशन के थ्रू भारत को पूरी तरीके से, हिंदुस्तान को पूरी तरीके से क्या करना चाहता था? ब्रिटेन अपने अंडर में लाना चाहता था.
इवन ही वाज सक्सेस, वो सफल भी हुआ, और उसकी सफलता के पीछे कई सारे रीजंस थे. हियर वी विल नॉट डिस्कस अबाउट द रीजंस, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट, बट कि ये इंडिया से जो कॉटन आ रहे थे ये दोनों फॉर्म में थे. इट मीन्स कि प्योर कॉटन कपड़े के रूप में थे और धागे के रूप में थे. लेकिन जब 18th सेंचुरी आई तो यहां पे कॉलोनाइजेशन ब्रिटेन ने अपना इंडिया को कॉलोनी बना दी. स्पेशली जब मैं कॉलोनाइजेशन की बात कर रहा हूं तो आपको याद होना चाहिए 1764 बैटल ऑफ बक्सर. और फिर 1757 बैटल ऑफ प्लासी. तो बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर के बाद भारत ब्रिटेन के अंडर में तीन राज्य बड़े बड़े कौन कौन, अवध, दिल्ली प्लस बंगाल पूरी तरीके से अंग्रेजों के अधिकार में आ चुके हैं. और इधर कर्नाटका वासी कर्नाटका वासी 1760 और 1762 पेरिस की संधि से साउदर्न इंडिया मद्रास प्रेसिडेंसी भी अंग्रेजों के पास आ चुकी थी. तो ये दोनों चीजें आ जाने के चलते अब ब्रिटेन से सीधा का सीधा कोयला, सीधे कॉटन भारत को आने लगा. भारत पे अंग्रेजों ने अपनी कॉलोनी स्थापित कर ली. तो पूरा कॉटन इंडस्ट्री इससे प्रभावित हुआ और अंग्रेजों ने बड़ी चतुराई के साथ इन चीजों को अपने साथ ले लिया. आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट क्लासेस में मिलेंगे, बातें करेंगे. गुड बाय एंड टेक केयर.